इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज सुबह की बड़ी खबर, अब जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी। पीएम मोदी के बुलावे पर जम्मू कश्मीर की 8 पॉलिटिकल पार्टियों के 14 नेताओं के साथ 3 घंटे 45 मिनट तक चली मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले डीलिमिटेशन का काम होगा। पीएम मोदी ने इस बैठक में साफ किया कि केंद्र की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसके लिए सूबे में डीलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद चुनाव होंगे और नई सरकार जम्मू कश्मीर के विकास को और तेज करेगी। तो कल प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की मुलाकात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि डीलिमिटेशन के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 पार्टी के 14 नेताओं ने हिस्सा लिया। 3 घंटे 45 मिनट तक ये बातचीत चली। सूबे में डीलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद चुनाव होंगे। नई सरकार जम्मू कश्मीर के विकास की ओर और तेजी से कदम बढ़ाएगी। इस बातचीत पर पूरे देश की ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बैठी इमरान सरकार की भी निगाहें लगी हुई थी। बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई इस बातचीत में आखिर क्या निकला, ये आपको बताते हैं। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, परिसीमन पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। पीएम ने लिखा, हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि डीलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे और चुनाव चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर का विकास करेगी। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और कहा कि डीलिमिटेशन और चुनाव के बाद स्टेटहुड पर बात होगी। अमित शाह ने साफ किया कि राज्य का दर्जा बहाल करने में डीलिमिटेशन और उसके बाद शांतिपूर्ण चुनाव अहम है। वहीं बैठक के बाद पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी को अनुच्छेद 370 हटाया जाना मंजूर नहीं और वो इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी कही। उन्होंने कहा कि वो कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने डीलिमिटेशन के प्रोसेस पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस ने कहा सूबे में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं और कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाए। बीजेपी ने कहा इस बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सभी कदम उठाने का भरोसा मिला है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंचे नेताओं में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने सूबे से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। इन नेताओं की शिकायत थी कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इनकी राय तक नहीं ली गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा वो अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई, मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है जम्मू कश्मीर के लोग। 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटा गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। तो अपनी पार्टी के तरफ से वजीर आजम साहब को और सबको कहा कि जहां तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आईन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पर रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी हम सबको मिलकर दूर करनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर उनके दिल में बसता है और जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक उनके परिवार के सदस्य जैसा है और जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हर वह कार्य वो करेंगे जो करना बहुत जरूरी है। इस बैठक के बाद पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापा। महबूबा मुफ्ती ने मांग की कि केंद्र सरकार न केवल पाकिस्तान से बात करे बल्कि मुजफ्फराबाद के ट्रेड रूट को भी जल्द से जल्द खुलवाने की कोशिश करे। हालांकि बीजेपी ने साफ किया कि गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगी।
मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े, करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावला कोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का, उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकते, बातचीत और बंदूक कभी साथ साथ नहीं चल सकती है। गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकते, बातचीत और बंदूक कभी साथ साथ नहीं चल सकती है। तो महबूबा मुफ्ती ने इस मीटिंग से बाहर निकलने के बाद कहा कि सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, मुजफ्फराबाद रूट जो है, ट्रेड रूट, वो बहाल करना चाहिए। क्या क्या हुआ इस बैठक में ये आपको बताते हैं। परिसीमन पूरा होने के बाद चुनाव होंगे, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव, चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर का विकास करेगी। और बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा डिलिमिटेशन और चुनाव के बाद स्टेटहुड पर बात होगी, यानी जो वादा उन्होंने संसद में किया था, उन्होंने कहा था कि बहाली होगी वहां पर स्टेट की, लेकिन उसके लिए पहले और प्रक्रियाएं हैं। तो उन्होंने कल भी कहा कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होगा और चुनाव के बाद स्टेटहुड पर बात की जाएगी। डिलिमिटेशन और उसके बाद शांतिपूर्ण चुनाव अहम है और इसी पर निर्भर करेगा कि राज्य का दर्जा किस तरह से बहाल किया जा सकता है जम्मू कश्मीर में। बैठक के बाद पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा उनकी पार्टी को अनुच्छेद 370 हटाया जाना कबूल नहीं है, वो इसे शांतिपूर्ण तरीके से लड़ती रहेंगी, इसके लिए लड़ाई आगे जारी रखेंगी। यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी कही, उन्होंने कहा वो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रहकर इस मामले पर लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन बाहर निकलकर सब नेताओं ने एक ही बात कही कि बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई, हमारी बात सुनी गई, प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, गृहमंत्री ने अपनी बात कही, यानी दोनों तरफ से जो बातचीत हुई वो अच्छे माहौल में हुई। 3 घंटा 45 मिनट तक ये बातचीत हुई है, लेकिन इस बातचीत के बाद भी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान राग खत्म नहीं हुआ। 370 पर उनका कहना है कि वो इसका विरोध करते रहेंगे, जिस तरह से हटाया गया वो उनको मंजूर नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है, इसीलिए वो कानून के दायरे में रहकर इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया कि परिसीमन पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। कांग्रेस की भी यही मांग थी कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े, करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावला कोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का, उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है, अभी कोई सांस लेता ले नहीं पाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है, अगर जोर से सांस भी लेते हैं पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। और इस बैठक के बाद एक बात तो साफ हो गई कि राज्य में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले डिलिमिटेशन होगा। दरअसल सूबे की विधानसभा में 7 सीटें बढ़ गई हैं, इसीलिए डिलिमिटेशन जरूरी हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां पे इलेक्शन हो और एक चुनी हुई सरकार आ जाए और चुनी हुई सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए फिर फैसले लें। उन्होंने खुद माना कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कभी कबूल नहीं होगा और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कुछ खामियां और कमजोरियां रहती हैं।
जिनको दुरुस्त करना जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फिर काम बन जाता है। हम लोगों ने कश्मीरी पंडितों की बात की कि उनको तुरंत वापस लाना चाहिए, उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए कश्मीर में। सब पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी यहाँ मौजूद हैं सब चाहती हैं कि उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, लेकिन इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, हम लोगों का तो कोऑपरेशन मिलेगा। लेकिन दो चीज़ें ये जो मुद्दे उठाए थे, गृह मंत्री ने अपने भाषण में ये कह दिया कि स्टेट रोड भी हम देंगे, हम लोगों ने प्रॉमिस है, हम वचनबद्ध हैं, हम लोगों ने बताया था कि भाई आप लोगों ने दोनों सदनों में बताया है, तो उन्होंने कहा मैंने बताया है और हम स्टेट रोड देंगे और इलेक्शन भी करेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन जैसे ही परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जब विधानसभा की सीटों का गठन हो जाएगा उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए। गृह मंत्री ने बताया कि नहीं यहाँ अनिवार्य है क्योंकि हमने जो बिल पास किया है उसमें 7 सीटें ऐड हो गई हैं कश्मीर में, 4 जो लद्दाख को मिलती थी वो इसमें ऐड होंगी और 3 वैसे बढ़ा दी है, पहले 87 का हाउस था अब 90 का हाउस होगा, तो 7 सीटें कौन देंगे कहाँ करेंगे, तो उसके लिए तो डिलिमिटेशन करना होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में ये प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन करना जरूरी है, उन्होंने कहा। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।